गया और एक नया फोन दोस्तों, और ये फोन इज अ लुकर, दिखने को बहुत जबरदस्त है। मैं बात कर रहा हूँ V29e, Vivo का V29e, एंड ये V29 सीरीज में बजट सीरीज में आता है। सो दिस इज काइंड ऑफ द बेस वेरिएंट इन V29 सीरीज। आज इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, सब कुछ बताने वाले, कुछ यूनिक चीजें हैं दोस्तों वो भी दिखाने वाले हैं, वेट फॉर दैट। उसके पहले दोस्तों, बॉक्स खोलने से पहले अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लोग हमारा अनबॉक्सिंग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब राइट नाउ। ऑलराइट, सिल्वर बॉक्स है, V29e लिखा हुआ है, एंड द मैजिक हैपेंस जब इस फोन, ओह माय गॉड, इस फोन को हाथ में लेते हो जो एक फीलिंग है उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा आपको, फोन के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ केस आती है, जस्ट लुक एट दिस, इससे आपको कुछ पता चल रहा होगा कितना स्लिम है ये। दिस इज अ वेरी 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 स्लिम फोन, जैसे हाथ में लेते हो पता चलता है। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, मोर डॉक्यूमेंटेशन। ऑलराइट, ये 44 वॉट का फ्लैश चार्ज है दोस्तों, 44 वॉट का फ्लैश चार्जर आता है, एंड USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है, एंड यस ऑफ कोर्स द हम्बल सिम कार्ड टूल ये रखते हैं साइड में, क्योंकि देखेंगे कि भाई इसका जो ट्रे है वो कैसा है। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द फोन। ऑल राइट, ओह दोस्तों, ये जो फोन है ना, ये आर्टिस्टिक रेड है, जिस लुक मैंने जैसे बताया, दिस इज अ लुकर, दिखने को सही में बहुत ही अच्छा है। ये दिख रहा है आपको पैटर्न्स, तो एक साइड में पैटर्न्स है और इधर काइंड ऑफ सैटिन फिनिश है, एंड दिस इज ग्लास बैक, यस ग्लास बैक है दोस्तों, एंड दिस इज ओनली 7.57 mm थिन, जी हाँ, एंड दोनों ही तरफ कर्व्ड है। माय गुडनेस, जो फीलिंग है हाथ में दोस्तों, एब्सोल्युटली एक प्रीमियम फोन की, लुक एट दिस। अगर पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ दोस्तों आपको मिलता है सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB टाइप सी, स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है एंड पावर ऑन ऑफ बटन, ऊपर नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। अगर सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करें तो लेट्स सी। ऑलराइट, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आता है दोस्तों, दैट इज गुड, तो या तो एक सिम कार्ड एंड एक एसडी कार्ड इस्तेमाल कर पाओगे या फिर दो सिम कार्ड, सो दैट इज नाइस। एक्सपेंशन स्लॉट है, एंड हाँ 3.5 mm जैक नहीं है इसमें। ओह, ऊपर है, निकाल के देखते हैं, सेटिस्फैक्शन मोमेंट, यस यस, लवली लवली। वजन के बारे में बात करो, इट इज थिन एंड लाइट, बहुत ही लाइट वेट है, मुझे तो लग रहा है ये 170 ग्राम से भी कम है, वैसे हो नहीं सकता है क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है, सो आई विल से 175 ग्राम्स, लेट्स सी, 178.8 ग्राम्स, बट नहीं लगता है, फील्स सो लाइट, लिटरली दोस्तों बहुत ही हल्का लगता है हाथ में, फॉर श्योर 178.8 ग्राम्स इज स्टिल क्वाइट लाइट। चलिए ड्रॉप टेस्ट करते हैं, दोनों ही तरफ ग्लास है, लेट्स डू दिस। हल्का फोन है, वैसे ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, लेट्स सी, 1 2 3, 1 2 and 3, नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, नो क्रैक, नो डेंट्स, कुछ नहीं है दोस्तों, दिखने को सही में, अगेन आई मीन थर्ड टाइम मैं कह रहा हूं, बट दिखने को सही में बहुत अच्छा है। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, एंड जस्ट लुक एट दिस डिस्प्ले, मतलब साइड के बेजल्स तो नॉन एग्जिस्टेंट है, इवन अगर आप चिन के पास देखोगे, ऊपर का बेजल देखोगे, बहुत ही पतला है, दिस इज नियरली ऑल डिस्प्ले, बेजल्स इतने पतले होने की वजह से 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जैसे मैंने कहा इट्स ऑल डिस्प्ले। डिस्प्ले बड़ा भी है, 6.78 इंच का 120Hz AMOLED डिस्प्ले आता है, यस, एंड 1300 nits brightness है, so brightness के मामले में भी it is quite good, even अभी तो सिर्फ half पे ही है, look at this how bright it gets, so बाहर भी आप अगर sunlight में भी इस्तेमाल करते हो, सब कुछ very very clearly दिखेगा आपको। और हाँ दोस्तों, this is curved display, you know, जब आप देखते हो फोन के पास, that premium feel जो है वो definitely आती है। याद रखिए, इसकी जो price है, अभी जब मैं unboxing कर रहा हूँ, मुझे price पता नहीं है, but this is around 25,000 rupees, and for that price, look के मामले में, it punches above its weight। वैसे दोस्तों, V series जो Vivo की होती है, it is all about looks and camera, and this looks के मामले में तो this is taking that forward। camera के बारे में बात करेंगे, पहले specifications देख लेते हैं। ये आता है Qualcomm Snapdragon 695 Stride and Tested processor के ऊपर। इसमें दो variants हैं, 8GB RAM, 128GB storage, एक variant है, and दूसरा जो है वो 256GB का है। 8GB virtual RAM का भी support आता है। LPDDR4X RAM type है, UFS 2.2 storage type आता है। वैसे अगर performance के बारे में बात करूं, जी हाँ, for regular use this is fantastic। लेकिन 695 processor जो है दोस्तों, आपको पता है कि around 20-21,000 के जो phone से उसमें भी मिलता है। From that perspective, this is around 25,000 rupees।
डिफरेंस। लेकिन अंतुदु स्कोर के बारे में बात करूं तो वर्जन 10 में 440,000 450,000 के करीब आता है, वर्जन 9 में 390 क्लोज टू 4 लाख स्कोर आता है। डिसेंट आप गेमिंग कर सकते हो दोस्तों, मीडियम सेटिंग्स पे 40 FPS आप आराम से खेल पाओगे, सीओडी मोबाइल या फिर BGMI वगैरह खेलते हो यू विल बी एबल टू प्ले। दोस्तों अगर OS के बारे में बात करूं, दिस कम्स ऑन फनटच OS 13 व्हिच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13। अगर प्री इंस्टॉल्ड एप्स के बारे में बात करूं तो यस देयर आर सम प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, हॉट गेम्स हॉट एप्स वगैरह हैं इसके अंदर, सो यस दैट इज देयर। अपडेट्स के बारे में अभी वीवो ने कुछ बताया हुआ नहीं है। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक आता है एंड दे वर्क वेरी वेल, बाकी सब सेंसर्स है, नो प्रॉब्लम्स देयर। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं देन कनेक्टिविटी में दोस्तों आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ 5.1 है, ऑब्वियसली 5G चिपसेट है दोस्तों एंड 5G मिलता है, 7 बैंड्स टोटल सपोर्टेड है जो इंडिया में जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं सबका सपोर्ट है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं, व्हाट अ डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले डेफिनेटली दोस्तों वीडियो व्यूइंग इज वेरी वेरी इमर्सिव, आप देखोगे ना लोग भी साइड से देखेंगे बोलेंगे वाओ यार बहुत अच्छा दिखता है, सो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज गुड। मोनो स्पीकर्स आते हैं जो लाउड है, क्वालिटी अच्छी है, ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बट स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, मोनो स्पीकर्स। वैसे आपको बता दूं कि वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है तो नेटफ्लिक्स में आप HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे, हाँ HDR नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ 695 प्रोसेसर या HDR सपोर्ट नहीं। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है। डिस्प्ले के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज वी सीरीज में कैमरा, एंड आई विल टेल यू व्हाट, इसका कैमरा सही में बहुत अच्छा है। पीछे की तरफ देखोगे अननेसेसरीली यूजलेस 2 MP के जो सेकेंडरी थर्ड टर्शियरी सेंसर्स होते हैं वो नहीं है, इसमें आपको 64 MP का OIS सेंसर मिलता है, जी हाँ, एंड सेकेंडरी सेंसर है 8 MP का अल्ट्रा वाइड। इसमें दोस्तों आप पोर्ट्रेट फोटोज लीजिए, यू आर गोइंग टू बी रियली रियली इंप्रेस्ड। इनफैक्ट 2x जूम पे आप फोटो ले सकते हो, मतलब 50 mm जो होता है विच इज आइडियल साइज फॉर शूटिंग पोर्ट्रेट, वो आप इसके ऊपर कर सकते हो और पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं, शार्पनेस के मामले में, स्किन टोन्स के मामले में एब्सोल्युटली टू द पॉइंट। बट इवन बेटर दोस्तों आगे जो है 50 MP का आई ऑटो फोकस कैमरा आता है, आई मीन सीरियसली 50 MP सेल्फी सेंसर कौन देता है, बट यस वीवो V29e में आता है, एंड अगेन फोटोज वगैरह जो निकलते हैं दे आर वेरी वेरी नाइस, ओरिजिनल क्वालिटी में बहुत सारे फोटोज निकाले हुए, नीचे जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा, ओरिजिनल क्वालिटी में आपको पता चल जाएगा कैसे फोटोज आते हैं। एक चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी, लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है, बिकॉज ऑफ दैट OIS लो लाइट जो फोटोज हैं वो भी अच्छे आते हैं, ओवरऑल कैमरा डेफिनेटली इज अ बिग थम्स अप एस्पेशली एट दिस प्राइस रेंज। हाँ लेकिन वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो पीछे आपको 1080p एट 60 FPS मिलता है, आगे 1080p एट 30 FPS, एंड 4K नहीं है शायद, इट इज अगेन अ चिपसेट इशू नॉट द फोन इशू। और अगर ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं, इसमें एक सुपर मून मोड आता है जहां पे चांद के आपको फोटोज वगैरह निकालने हैं, दे कम आउट वेरी नाइस, सुपर स्लो मोशन मोड है, ये सब जो स्टैंडर्ड मोड्स हैं वो सब आते हैं, डुअल एक्सपोजर है, डुअल वीडियो मोड भी है, आगे और पीछे का कैमरा एक ही टाइम पे आप इस्तेमाल करके वीडियो शूट कर पाओगे। और पोर्ट्रेट में और एक फीचर है बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट्स, तो यू नो पीछे फ्लेयर्स वगैरह आप डाल सकते हो, यू नो इट लुक्स वेरी नाइस। और हाँ वेडिंग फोटोग्राफी मोड भी आता है, जो वीवो V27 में था वो इसमें भी आता है, तो वेडिंग में जब आप जाते हो तो एक पंची बहुत अच्छे फोटोज निकालने होते हैं तो वो मोड इस्तेमाल कीजिए, दिल कम आउट वेरी नाइस। कैमरा ऐप के मामले में इट्स फीचर रिच। सो हाउ इज वीवो V29e, वीवो की वी सीरीज दोस्तों आपको पता है डिस्प्ले एंड कैमरा इसके लिए जानी जाती है, लुक्स के लिए जानी जाती है, और ये तीनों भी चीजें Vivo V29e कैरी फॉरवर्ड करता है। जी हाँ, इसका डिस्प्ले सुपर्ब है, लुक्स आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेटर लुकिंग फोन्स आउट देयर इन दैट 25 टू 30 प्राइस रेंज, एंड हाँ कैमरा वेरी वेरी गुड। तो ये तीन चीजें हाईलाइट है, परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूंगा एवरेज, बट अदर देन दैट दिस इज अ ग्रेट फोन, स्पेशली इन हैंड फील दोस्तों, लाइट एंड दैट कर्व्ड डिस्प्ले, वाओ। वैसे दोस्तों अभी मुझे प्राइस नहीं है, जैसे ही आ जाती है डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं डाल दूं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.